जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है और हम इसका उत्तर भी कई बार कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, लेकिन प्यारे भक्तों कमेंट बॉक्स में सब देख ही नहीं पाते। तो आज हमने सोचा ताकि आप सबको लाभ मिले और सब आप जान सकें, तो हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे भक्तों, प्रश्न ये है कि क्या हम राम कृष्ण शिव आदि भगवानों के नाम का जप एक साथ कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, कई ऐसे मनुष्य हैं जो ऐसे कमेंट लिखते हैं कि हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, शिव जी की भी करते हैं, हनुमान जी की भी करते हैं और हम रामायण भी पढ़ते हैं, तो क्या ये ठीक है? देखो प्रेमी भक्तों, ना से हाँ वाली बात है, यानी जो कुछ नहीं कर रहे उनकी बजाय आप कुछ कर रहे हैं। ऐसे प्यारे भक्तों, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर आप एक साथ दो नाव में पैर रखोगे या दो से ज़्यादा में रखोगे तो किस तरह से समुद्र को पार कर पाओगे? असंभव है, डूब जाओगे आप। एक पैर उस नाव में, एक उसमें है। तो ऐसे ही आप सिर्फ एक भगवान के नाम को पकड़ लो, जिसको आप मानते हो, जिस नाम पे, जिस भगवान पे आपका पूर्ण विश्वास है, उसी नाम को आप पकड़ लो और उसी को पूर्ण श्रद्धा विश्वास और भाव से जपो। देखो प्रेमी भक्तों, एक उदाहरण के द्वारा समझें आप। आपको ज़मीन में से पानी निकालना है, गड्ढा खोदा जाता है पानी निकालने के लिए। मान लो आपने एक गड्ढा खोदा और दो तीन फीट खोद के छोड़ दिया, आपने सोचा नहीं निकला छोड़ दो। फिर आपने दूसरा खोदा, फिर दूसरा चार पाँच फीट खोद के छोड़ दिया, आपने कहा पानी निकला दूसरा खोदता हूँ। फिर तीसरा खोदा, फिर चौथा खोदा, पानी नहीं निकलेगा क्योंकि पानी तो नीचे है और आप एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहे हो, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ के चौथे को पकड़ लिया। तो प्रेमी भक्तों, ऐसे पानी नहीं मिल सकता। इसी तरह से नाम जप भी है। आपने एक भगवान के नाम को पकड़ा, थोड़े से दिन अगर आपने उसको पकड़ा और आपने सोचा इससे कुछ नहीं होता तो आप छोड़ दोगे, फिर तीसरे को पकड़ा तो भी लाभ नहीं हुआ तो फिर छोड़ देते हो आप। आप एक ही को पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, तो निश्चित ही पानी निकलेगा, यानी कि निश्चित ही नाम जब से आपको फल मिलेगा। और एक साथ मतलब एक बार में एक ही नाम को पकड़ लो, क्योंकि एक बार में एक आदमी चार गड्ढे नहीं खोद सकता ना, वो केवल एक ही गड्ढा एक बार में खोद सकता है। तो इसलिए आप एक बार में एक ही नाम को जपें और पूर्ण फल की प्राप्ति करें और उसको पकड़े ही रहें, क्योंकि प्यारे भक्तों नानक जी कहते हैं, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाए, दूजा काहे सुमरिए और जन्मते मर जाए। प्यारे भक्तों, नानक जी कहते हैं केवल और केवल उस एक को ही सुमरो जो कि जल थल में समाया हुआ है, और अगर तुम दूजे को सुमरते हो तो ऐसा इंसान तो जन्म होते ही मर जाए। तो प्यारे भक्तों, अगर आप राम को सुमरते हो तो राम को सुमरने का तरीका भी जान लो। एक का क्या मतलब है? एक का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर और जल थल में हर जगह समाया हुआ है, उस एक को सुमरो। उस एक को कैसे सुमरोगे? उस आदि नाम को जाने बिना उस एक को सुमर नहीं सकते। अब वो आदि नाम क्या है, वो गुप्त नाम क्या है, वो हम अपने बहुत वीडियो में इशारा कर चुके हैं, बता चुके हैं। वो आदि नाम हमारे अंदर है, वो गुप्त नाम हमारे अंदर है। आप प्यारे भक्तों, श्वासों के द्वारा जब किसी भी भगवान के नाम का सिर्फ एक का जप करोगे तो आपको वो आदि नाम अपने आप पता चल जाएगा। श्वासों के द्वारा ही उस आदि नाम, गुप्त नाम तक आप पहुंच सकते हो। अब आप कहोगे तो कोई तो कहता है कि खाली वाणी से बोलने से उदार हो जाएगा, मानसिक बोलने से उदार हो जाएगा। हाँ, वो सही बात है, फल आपको मिलेगा, लेकिन ना से हाँ वाली बात है कि आप कुछ तो कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो आदि नाम को, गुप्त नाम को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक को ही जपना पड़ेगा।
चाहे फिर आप किसी भी भगवान को मानते हो, उसी नाम को पकड़ लो और हर श्वास के साथ उस नाम का जाप करो। यानी कि श्वास ऊपर गई तो जैसे राम का जप करना है तो राम, श्वास नीचे आई तो राम। तो इसलिए प्रेमी भक्तों, आप अपना कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और हर मनुष्य को ये समझना ज़रूरी है कि केवल और केवल एक नाम को ही पकड़ के और उसका ही जाप करेंगे तो भवसे बेड़ा पार होगा, हर परेशानी मिटेगी, हर समस्या मिटेगी। क्योंकि अगर उस एक नाम को नहीं बजा, नहीं जाना, तो प्यारे भक्तों फिर आप समझ लो जिंदा ही मुर्दे के समान हो। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।